अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। नाउ वी स्टार्ट अवर लेक्चर सब्जेक्ट केमिस्ट्री, पेज नंबर रेमडी पैक 20, क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। व्हाट डू यू नो अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिस्कस इन डिटेल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन करनी है, यानी उसके बताने के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है उसको आपने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट एज एक्सप्रेस इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब उसके लिए फार्मूला है, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट ओवर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। मीन जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है उसके जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो उसका कोफिशिएंट होगा वो उसकी पावर बनेगा, उसकी से साथ रेशियो किस चीज़ की है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की जो प्रोडक्ट है मीन उसका मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट की जो है वो उसमें जो उसकी कोफिशिएंट हैं वो उसकी वो भी पावर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है 3H2+N2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3, मीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया गैस बना रहे हैं। अब इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन करेंगे, KC इज इक्वल टू NH3, NH3 क्या है प्रोडक्ट है, उसका जो कोफिशिएंट है वो प्रोडक्ट उसकी रेज पावर बन गया, इसी तरह जो रिएक्टेंट्स हैं वो उसकी रेशियो है H2 उसका जो 3 कोफिशिएंट है वो उसका क्यूब बन गया N2। अब ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू दी पावर ऑफ कोफिशिएंट, यानी उसके जो कोफिशिएंट था उसकी पावर बन गया टू दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है ये दो या तीन वैल्यू जो उसका आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो प्रोडक्ट है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, रेज टू दी पावर ऑफ कोफिशिएंट, जो उनका कोफिशिएंट है वो उनकी पावर बन गया। उसके बाद इसको जो है यूनिट इसका डिस्कशन है, KC हैज़ यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज़ नो यूनिट इन द रिएक्शन विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी वो कह रहे हैं कि एक रिएक्शन है या इक्वेशन है उसकी दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वल है तब उसका कोई यूनिट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल H2+I2 इक्वल टू 2HI, मीन हाइड्रोजन का एक मोल है आयोडीन का एक मोल है, तो एक और एक इक्वल टू क्या है हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मोल है। अब उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन करेंगे, KC इज इक्वल टू HI हाइड्रोजन आयोडाइड इसका जो है वो स्केयर ओवर H2 इनटू I2। अब इनके यूनिट जब लिखेंगे हम HI का स्केयर है तो यहाँ पे उसके यूनिट का भी स्केयर होगा ओवर जो है H2 मीन हाइड्रोजन का उसके यूनिट उसके लिए जो और आयोडीन उसके लिए मोलर कंसंट्रेशन, तो ये स्केयर में है ये एक एक ये भी स्केयर हो गया तो इस तरह आपस में कैंसिल हो गए तो यहाँ पे यूनिट क्या बचा नो यूनिट। दूसरी जो कंडीशन है फॉर द रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल टू इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी अगर एक इक्वेशन है हमारे पास तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बराबर नहीं है तो फिर उसका यूनिट है। अब उसके लिए क्या एग्जाम्पल N2+3H2 इक्वल टू 2NH3, KC यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे NH3 का स्केयर ओवर N2 इनटू H2 का क्यूब। अब यहाँ पे NH3 का स्केयर है तो उसके यूनिट का भी स्केयर, इसी तरह N2 एक है तो उसका एक यूनिट आ गया, H2 का क्यूब है तो उसके यूनिट का भी क्यूब आ गया, इस तरह ये दो इन तीन वाले में से दो में से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहाँ पर एक बचेगा यहाँ भी एक बचेगा, मीन 1/mol/cm³ का स्केयर। जब नीचे से ओवर ऊपर वैल्यू ले गए तो जो है वो मोल पर स्केयर और DM6 मीन ये ऊपर जाके ये जो है वो उसके साइन जो है वो चेंज होंगे तो ये उसका यहाँ पे यूनिट है मोल क्यूबिक डेसीमीटर।